हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं बी और आप देखेंगे और जानेंगे पिक्सेल डेंसिटी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिक्सेल डेंसिटी क्या होती है और जो पिक्सेल में हम देखते हैं पीपीआई और बाकी सब कुछ जैसे रेटिना डिस्प्ले वगैरह के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो पहले तो जानते हैं पिक्सेल क्या होता है। पिक्सेल बहुत छोटा पार्टिकल होता है एक डिस्प्ले के अंदर, और पिक्सेल में 3 सब पिक्सेल होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। हर कलर को शो करने के लिए या अलग अलग इंटेंसिटी पर ग्लो करते हैं और कलर प्रोड्यूस करते हैं। अगर तीनों बंद हो जाए तो डार्केस्ट कलर ब्लैक शो होता है, और तीनों हाईएस्ट ग्लो करे तो व्हाइट कलर दिखता है। आपने पहले के टीवी में देखा होगा कि टीवी के ज्यादा पास जाने से आपको उसमें स्क्वायर शेप के छोटे छोटे बॉक्स दिखते होंगे अलग अलग कलर के, उन्हीं बॉक्सेस को पिक्सल कहते हैं। पर आजकल के डिवाइसेस में ये पिक्सल्स काफी छोटे हो गए हैं, और इतने छोटे हो गए हैं कि ह्यूमन आई से नहीं दिखते, और इन्हीं डिस्प्लेस को रेटिना डिस्प्ले बोलते हैं। मींस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप पिक्सल को नहीं देख सकते। तो चलो अब पीपीआई के बारे में बात करते हैं। तो हम एक स्क्रीन लेते हैं एचडी रेजोल्यूशन की, चलो इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्स एंड वर्टिकली वाई। तो एचडी स्क्रीन में एक्स इज इक्वल टू 1920 एंड वाई इज इक्वल टू 1080 पिक्सल्स, मींस हॉरिजॉन्टली 1920 पिक्सल्स है और वर्टिकली 1080 पिक्सल्स है, और ये स्क्रीन बन गई 1920x1080p की। तो इस स्क्रीन में टोटल पिक्सल कितने हुए? वो हुए 1920x1080, जो कि इक्वल है अराउंड 2073600 पिक्सल। चलो अब एक स्क्रीन लेते हैं 5.5 इंच की, और जिसकी और जो स्क्रीन फुल एचडी स्क्रीन है, मतलब इसके हॉरिजॉन्टली इसके अंदर 1920 पिक्सल है और वर्टिकली 1080 पिक्सल है, और ये स्क्रीन 5.5 इंच की है, मींस किसी भी कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो 5.5 इंच आएगा। तो अब पीपीआई निकाल लेते हैं। पीपीआई कैसे निकालते हैं? फर्स्टली हमें ये जो है इस जो अपोजिट कॉर्नर है उनके बीच में कितने पिक्सल है वो निकालने पड़ेंगे। वो निकालने के लिए हम सिंपल मैथ का पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। और इस पूरे को अगर हम डिवाइड कर देते हैं अपने इंचेस से, 5 जो कि है हमारे इस केस में 5.5 इंचेस, तो हमें पीपीआई मिल जाएगा। तो ये अगर हम सोल्व करें, अगर आप सोल्व करें तो ये 400 पॉइंट समथिंग आता है, जो कि इक्वल है 401 पीपीआई के। तो ये होगी हमारी पीपीआई, हमारी पीपीआई 401 पीपीआई आ गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीपीआई 401 पीपीआई में काफी अच्छी स्क्रीन हमें पिक्सल मिल जाएंगे, और ये जो है रेटिना डिस्प्ले होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आई 2, अगर वो कोई भी स्क्रीन है 273 या 300 से ऊपर है उसके पीपीआई, तो वो अच्छी स्क्रीन है। हमारी आई जो रेटिना डिस्प्ले के अंदर आ जाती है वो स्क्रीन, जिसमें हम किसी पिक्सल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे आप मेजर कर सकते हैं पीपीआई को। तो जैसा कि हमने देखा, जितना ज्यादा पीपीआई होता है उतनी अच्छी स्क्रीन होती है, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि सिर्फ पीपीआई ही स्क्रीन क्वालिटी को नहीं डिफाइन करता है, और भी फैक्टर है जिनसे स्क्रीन क्वालिटी डिफाइन होती है। जैसे कि अलग अलग डिस्प्ले आती है, जैसे आईपीएस एलसीडी और आजकल तो एमोलेड डिस्प्ले आती है, तो वो भी स्क्रीन क्वालिटी को बताती है। और आजकल स्क्रीन आती है जैसे क्वाड एचडी और 4K रेजोल्यूशन वाली, तो अगर कोई आपको कहता है कि सिर्फ 4K डिस्प्ले ही बेस्ट होती है या क्वाड एचडी डिस्प्ले बेस्ट होती है, तो वो गलत है, क्योंकि स्क्रीन रेजोल्यूशन स्क्रीन साइज के बाद कंसिडर होता है। अगर आपके पास एक 5 इंच का स्मार्टफोन है तो आप उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते कि उसमें एचडी स्क्रीन है या क्वाड एचडी स्क्रीन, और अगर उसमें एचडी की जगह क्वाड एचडी स्क्रीन है तो वो स्क्रीन क्वालिटी पे ज्यादा फर्क नहीं डालेगी, पर ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी। तो ये टर्म हर जगह डिपेंड करती है, आपको देखना है कि आप कौन सा डिवाइस ले रहे हैं, कितने इंच का ले रहे हैं और उसकी पिक्सल डेंसिटी क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगर कोई डिवाइस आगे से लेंगे तो आप इस टर्म पर जरूर गौर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलूंगा आप मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट टेक स्टफ और टेक्नोलॉजी को जानने का मौका मिले, और आप अपने कमेंट और सजेशंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।